दिनेश, पुर के वार्ड नंबर एक में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक 22 साल का युवक द्वारा अवैध कच्ची शराब पीने पर उसकी मौत हो गई। 22 वर्षीय कालीपद मंडल कल शाम अपने मोहल्ले में किसी मकान में लेंटर डालने गया था। लेंटर डालने के बाद खुशी में मालिक ने दावत दी। एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें कच्ची शराब लाए गए और 7 लोगों को दावत में कच्ची शराब दी गई, जिसमें इस व्यक्ति ने भी शराब पी थी। इसके बाद इसकी हालत बिगड़ गई, बेहोश होकर गिर गया। आनन फानन में दिनेशपुर स्थित चिकित्सालय लाया गया, जहां इसकी गंभीर हालत को देखते हुए रुद्रपुर रेफर कर दिया गया। लेकिन इसके बाद भी इस युवक की जान नहीं बच सकी। बताया जा रहा है कि रस्ते में ही इस युवक ने दम तोड़ दिया। शरीर में ताकत नहीं था, फिर उसके बाद ले गया, उसके बाद मुझे पता नहीं। अच्छा, तुम कब बैठे और कौन लाया था शराब और कहाँ से आई थी शराब? शराब तो लेके आया था मालिक, मालिक ले आया था, सब पिया था, वो बाद में आया था, आके 2-3 पैक बड़ा बड़ा पिया, फिर उस शरीर में ताकत ही नहीं था, फिर उसको नहलाया, फिर वो हॉस्पिटल ले गया। अच्छा, वो दूसरा कोई नशा किया हुआ था? वो मेरे को पता नहीं, वो काम दूसरे साइड में कर रहे थे, काम करने वो जो जब शराब पीने से पहले वो नशे में था, ये पता नहीं। वो मेरे साथ नहीं आया था, मनोज के साथ आया था। चलो, और जो नशा करता है वो इसके अलावा? हाँ, क्या नशा करता है? भांग से रस पीता, नशा, मतलब कोई भी छोड़ता नहीं। वो मेरे को पता नहीं, उसके साथ जो घूमता है उसको पता है। चलो ठीक। होते तो पीने वाले तो एक नहीं थे, कई बंदे थे, करीब 10-11 जने थे। तो 10-11 जने तो और किसी को तो असर होता, बुरा असर तो दिखता, खाली एक पे तो नहीं हुआ। दूसरी बात है, वो जो कालीपत जो भी है, वो जो गुजर गया, वो पहले से नशीली थे, वो भांग चरस स्मोकिंग अटम विटम नशा करते थे। अच्छा, जिसकी वजह से उसकी मौत हो, कोई गारंटी नहीं कि किस वजह से हुआ।